खिचड़ी। वेटर, एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर, यस सर। थोड़ी शक्कर लाई ना, देखिए ना चाय में शक्कर कम है। अच्छा देखो तो। नहीं, शक्कर तो बिल्कुल सही है। आपने मेरी चाय चखी? हाँ, तभी तो पता चला। दरअसल चाय आपको देने से पहले भी मैंने चखी थी, सही थी शक्कर। ओह रियली? हाँ। तो फिर डोसा भी चख लेते। अब डोसे में भी प्रॉब्लम है आपको। एक मिनट। हाँ। अच्छा, कड़क और करारा आता है डोसा। तो सांभर भी गर्म है। अच्छा हाँ, मुझे लगा ठंडा होगा। चखे बिना ही कोड़कोड़ शुरू कर दिया भाई साहब। अब सुन, आप ये डोसा सांभर में डुबो के मुंह में रख के चेक नहीं कर सकते थे? सब मैं करूँ, सब मैं। इतने आलसी हैं आप, इतने। चलिए चलिए, खा लीजिए, सब सही है। चलिए। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर कहाँ है? क्यों क्यों? मेरी बात पे विश्वास नहीं है आपको? अब आप मैनेजर से भी चखवाएंगे? मैनेजर! क्या हुआ सर? क्या हुआ? आप मुझसे पूछिए, मुझसे, इनसे नहीं, मुझसे पूछिए सर। हाँ। आप ये चाय चक्कर, ये नखरेबाज को बताइए कि चाय में चक्कर सही है। ये अरे सांभर भी, सांभर भी बताइए। सांभर गर्म है या नहीं बताइए इनको। एक्सक्यूज मी। इस तरह कस्टमर का नाश्ता चखने के लिए किसने कहा? उन्होंने। वो खुद एक काम नहीं कर सकते? परफुल, ऐसे सांभर नहीं चखना चाहिए। ये? लेकिन परसों आपने तो वही सांभर उंगली डुबो के चखा था और कहा था चलेगा चलेगा। एक्सक्यूज मी, वो सांभर परसों का था? नहीं नहीं भाई साहब, सांभर तो पिछले महीने का था। इन्होंने चखा परसों। मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये होटल बंद करवा दूंगा मैं। क्यों क्यों क्यों? इन्होंने आपकी चाय और सांभर चखे नहीं, बस सिर्फ इसलिए? नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे एक महीने पहले की चटनी और सांभर परोसे, इसलिए। फिर से झूठ, देखा फिर से झूठ। भाई साहब, आपको किसने बताया कि चटनी और सांभर पिछले महीने का है? अरे अभी आप भाई साहब, सिर्फ सांभर पिछले महीने का है, चटनी तो 2017 की है। 2017? मैं आपको समझाता हूँ, आइए बैठिए बैठिए। क्या हुआ ना, एक कस्टमर आया था यहाँ पे, यहाँ पे की जगह बैठा था, डोसा खा रहा है, मर गया। शायद फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। तब मैनेजर साहब ने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया। वो लोग जब दवाई छिड़क रहे थे ना, तब डीप फ्रीजर में से मैनेजर साहब को ये चटनी मिली। होटल बंद करवा के आया तो अच्छा किया, ऐसी होटल तो बंद ही हो जानी चाहिए। हाँ तो, अरे 6 महीने पुरानी चटनी परोसता है कोई कस्टमर को? सही है। जैसे ही भाभी तो 20 दिन पुराना खाना भी नहीं परोसती मेहमानों को हिमांशु। हाँ। सही कह रहे प्रफुल्ल भैया। अरे भिखारी को भी तभी देती हूँ जब उसे खा के आपको कुछ नहीं होता, जैसे कि अभी नहीं हुआ कुछ बाबूजी को पराठा खा के। हाश भगवान। मंगो, ए मंगो। हाँ मैडम। ये ले, सेफ है। पक्का सेफ है ना? हाँ हाँ, देख इसे खा के बाबूजी को कुछ नहीं हुआ। देख जिद्दा है बाबूजी, जिद्दा है। ले 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 ले, किसी को पता नहीं चलेगा। दिल छोटा मत कीजिए जिद्दा जी, आपको तो कोई भी सामने से बुला के काम देगा। आई लॉर्ड, हिमांशु मिल गया काम। हिमांशु बाबूजी, ये देखिए अखबार में क्या आया है। मेरे चश्मे गायब है। ये अखबार में आया है? अच्छा ये। अरे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जरूरत है शादी संचालक की, 4-5 करोड़ का खर्चा, संचालक को मिलेगा 10% कमीशन। कमीशन मतलब मैं हूं ना। चलो कमीशन अंसा। अरे वो उर्मिला बहन, उनका बेटा ईशान जब मोटा होने लगा था तब उन्होंने नहीं कहा था कि बेटा ईशान अब चीज और बटर कम, ईशान कम, ईशान चीज और बटर कम, ईशान कम, ईशान। अच्छा कम ईशान, कम ईशान, अच्छा अच्छा कम ईशान, कम ईशान। प्रफुल्ल का देख, एक मिनट एक मिनट, सुनो कमीशन मतलब हमें जो शादी का संचालन करके परसेंटेज मिलेगा ना वो। अरे परसेंटेज मतलब परसेंटेज अंसा, वो हमारे किशोर भाई उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी डॉटर पढ़ने में कमजोर है, परसेंटेज है, परसेंटेज 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 है। अच्छा परसेंटेज, इन दोनों का कुछ कहा या फिर मुझे जहर दे दे? ठीक है आपको जहर दे देती हूँ। सुनो शादी का संचालन करके हमें 40-50 लाख का कमीशन मिलेगा। हिमांशु ये ले अग्रवाल को फोन कर। अरे जैसी भाभी शादी, हाँ समझाती हूँ समझाती हूँ। शादी का संचालन मतलब शादी के जो चोचले होते हैं ना, रोका, मेहंदी, संगीत, शादी, विदाई, सुहागरात, ये सब। हेलो अग्रवाल साहब, देखिए हम 5 लोग हैं, आपकी बेटी की शादी से लेकर सुहागरात सब हम करेंगे। काट डाला। हाँ रुको शांति रखो, देती हूँ जहर। अरे पर बहुत उतावड़ बापा। सुनो कल हम अग्रवाल साहब के यहाँ जाएंगे और शादी का वर्ल्ड बेस्ट आइडिया सुनाएंगे। बाबूजी आप संगीत का कोई ऐसा आइडिया सोचिए जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। ठीक है।